देखो मगधवासियों, ध्यान से देखो मैं कैसे इन देशद्रोहियों की दुर्बल सुरक्षा व्यवस्था को और साथ ही उस चंद्रगुप्त की हिम्मत को तोड़ता हूं। बस कुछ ही क्षणों में ये द्वार धराशायी हो जाएगा और उसी के साथ धराशायी होगा उन देशद्रोहियों का दुस्साहस। हम इस निरंतर प्रहार को अब और अधिक नहीं झेल पाएंगे। शीघ्र ही ये द्वार धराशायी हो जाएगा। आज उस मिथ्यानायक चंद्रगुप्त के भयानक अंत के साक्षी बनोगे तुम सब, और तुम सब देखोगे कैसे मगधपति सम्राट धनानंद को चुनौती देकर मेरे विरुद्ध विद्रोह कर उस चट्टे ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। आशा करता हूँ आचार्य, चंद्रगुप्त की योजना सफल होगी। निसंदेह सफल होगी। शीघ्र करो, हमें तुरंत ही तेल के पात्र को खंडक में बहाना होगा। सज हो जाओ, बस कुछ ही क्षण शेष है और फिर तुम सब उस दिलचट्टे का अंत देखोगे। धनानंद, अद्भुत सम्राट की इतनी विशाल सेना को एक ही वार में इतनी बड़ी क्षति पहुंचा दी चंद्रगुप्त ने। मैंने आज तक उसके अदम्य साहस की गाथाएं ही सुनी थी, किंतु आज साक्षात देख भी लिया। धनानंद, आज जिस प्रजा को तुमने मेरे अंत का साक्षी बनने के लिए बुलाया था, आज वही प्रजा देखेगी कि कैसे मात्र 100 क्षत्रियों की सेना एक अहंकारी सम्राट के झूठे मत को चूर चूर करके रख देंगे। आज तुम्हारे वर्चस्व का, तुम्हारे अभिमान का अंत होगा। धनानंद, आओ प्रहार करो मुझ पर, मैं यही खड़ा रहूंगा और सामना करूंगा तुम्हारा और तुम्हारी समस्त सेना का।